जुरासिक वर्ल्ड कैम क्रिटिसिस एनिमेटेड सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है और आज मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही साथ अपने रिव्यू देने वाला हूं। यदि आप सिर्फ रिव्यू देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए टाइम पर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेरियस एक बहुत ही मुश्किल वीआर गेम को जीतता है जिससे उसे जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस जाने का मौका मिलता है। डेरियस के साथ 5 और टीनेजर्स को जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस जाने का मौका मिलता है। ब्रुकलिन जो कि एक सोशल मीडिया स्टार है, याज जो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है, केंजी एक बहुत ही रिच बच्चा, सैमी जिसकी फैमिली जुरासिक वर्ल्ड में फूड सप्लाई करती है, और बेन जो एक ऐसा लड़का है जिसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैंप क्रिटिसिस में इंटर करते हुए उनका सामना होता है एक कॉम सिग्नोसिस से, जिसे देखकर डेरियस काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। कैंप काउंसलर डेव और रॉक्सी उस कॉम्पी को पकड़ लेते हैं और बच्चों को कैंप ले जाते हैं। वे सभी ब्रोकोसोरस, सिनोसेटॉप्स, पैरासोलोफिस, एंकाइलोसोरस और स्टेगोसोरस के झुंड को देखते हैं और फिर जिप लाइन पर सवार होते हैं। रात होते ही डेरियस दूर एक चमकती हुई रोशनी देखता है, जिसे देखने पर वह सबसे पहले उसे कॉम्पी का पिंजरा समझता है और वहां जाने का फैसला करता है। केंजी और ब्रुकलिन भी वहां जाते हैं। केंजी डायनासोर की तस्वीर लेने के लिए ब्रुकलिन से फ़ोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे फ़ोन नीचे गिर जाता है। केंजी फ़ोन लेने के लिए नीचे जाता है, वो कॉम्पी की तस्वीर खींचने वाला ही होता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि वह कॉम्पी के पिंजरे में नहीं है, वह एक वेलोसिराप्टर का पिंजरा है। ब्रुकलिन उसे बचाने के लिए गेट खोल देती है, पर गलती से वो रैप्टर का ही गेट खोल देती है, जिससे ब्लू केंजी की तरफ आगे बढ़ती है, पर डेरियस पाइप को तोड़कर नीचे आ जाता है, जिससे आसपास काफ़ी धुआं फैल जाता है। ब्लू के साथ दूसरे रैप्टर्स भी आ जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी रैप्टर वाले सीन से, जहां डेरियस और केंजी को डेव और रॉक्सी बचा लेते हैं। रैप्टर पेडो के अंदर जाने के लिए सजा के तौर पर उन्हें डायनासोर के मल को साफ करना पड़ता है और बाकी सभी टीनेजर्स रिसर्च लैब जाते हैं। केंजी डेरियस को टनल के सहारे काउंट हाउस के पिंजरे की तरफ ले जाता है, पर गलती से वे लोग पिंजरे के अंदर की तरफ आ जाते हैं। काउंट हाउस उनके पीछे पड़ जाता है। केंजी किसी तरह से बाहर निकलता है, पर डेरियस फंस जाता है, जिसे केंजी सही समय पर बाहर निकाल देता है। काउंट हाउस के चेहरे पर एक चोट लग जाती है। केंजी इस काउंट हाउस का नाम टोरो रखता है। दूसरी तरफ लैब में वे डॉक्टर हेनरी वू से मिलते हैं। वहाँ एक बेबी एंकाइलोसोरस समय से पहले हैच होता है, जिसका एक सिंग बड़ा और दूसरा छोटा था। ब्रुकलिन अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए डॉक्टर वू की सीक्रेट ऑफिस में रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती है, जहाँ उसे सैमी मिलती है, पर वो वहाँ से चली जाती है। वह डॉक्टर वू के कंप्यूटर को देखती है, पर तभी डॉक्टर वू वहाँ आ जाते हैं। वे सभी बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बेन उस बेबी एंकाइलोसोरस का नाम बम्पी रखता है। हैच के बाद बम्पी ने सबसे पहले बेन को ही देखा था, इसलिए बेन के जाने पर बम्पी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। एक अनजान व्यक्ति डॉक्टर वू के ऑफिस में पड़े USB को ड्रोन की मदद से आइलैंड के बाहर भेजता है और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 में वे सभी जायरोस्फीयर में घूमने जाते हैं। ब्रुकलिन अपने फॉलोअर्स के घटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तूफान की वजह से सारे डायनासोर अनयूजुअल बिहेव करते हैं, जिससे उनके जायरोस्फीयर राइड को रोक दिया जाता है। डेव और रॉक्सी एक काम से वहाँ से चले जाते हैं। एक सिनोसेरेटॉप्स झुंड से दूर भागने लगता है, जिससे डेरियस और ब्रुकलिन उसके पीछे जाते हैं और बाकी सभी भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ समय पीछा करने के बाद सिनोसेरेटॉप्स गुस्से में उनके जायरोस्फीयर को उड़ा देता है, जिससे वे लोग दलदल में फंस जाते हैं। उनकी मदद के लिए बाकी सभी वहाँ पहुँचते हैं, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है डेरियस और ब्रुकलिन को बाहर निकालने के लिए। सैमी उसी सिनोसेरेटॉप्स को काफ़ी अच्छी तरह से शांत करती है और उसकी मदद से वे लोग डेरियस और ब्रुकलिन को बाहर निकालते हैं। इससे सैमी और रियाज के बीच की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड में ब्रुकलिन उसी समय के वीडियो को देख रही होती है, पर वो यह नोटिस करती है कि सैमी उस सिनोसेरेटॉप्स के मुँह से सैंपल्स ले रही थी। इस चीज़ को सैमी भी देख लेती है। एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है,
जहाँ डेरियस अपने पिता के साथ डॉक्टर एलन ग्रांट का आर्टिकल पढ़ रहा होता है और वे लोग जुरासिक वर्ल्ड में जाने की बात करते हैं। पर ऐसा लगता है कि डेरियस के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। डेव और रॉक्सी क्लेयर डेरिंग से मिलने जाते हैं और बच्चों को बाहर ना निकलने के लिए कहते हैं। ब्रुकलिन का फ़ोन खो जाता है और वह सैमी पर शक करती है। याज सैमी को बचाने के लिए ब्रुकलिन से बहस करती है, पर अचानक उन्हें किसी डायनासोर की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वे लोग जिपलाइन टावर पर चल जाते हैं। उन्हें एक ब्रोकेसोर दिखाई देता है और दो लोग आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर अचानक कोई उस ब्रोकेसोर को मार डालता है। इंडोमिनस रेक्स कैमोफ्लेज करते हुए बाहर आती है और उन दोनों व्यक्तियों को मार डालती है। सभी टीनेजर्स जिपलाइन से भागने की कोशिश करते हैं, पर इंडोमिनस टावर को ही तोड़ देती है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। और एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डेरियस के पिता की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है और मोस्ट लाइकली उनकी डेथ हो जाती है। होश आते ही वे कैम्प की तरफ जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि इंडोमिनस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ब्रुकलिन फिर से लड़ना शुरू कर देती है अपने फ़ोन की वजह से, पर डेरियस उन्हें शांत करता है और सभी को एक टीम बनकर रहने के लिए कहता है। एपिसोड 4 के एंड में इंडोमिनस रेक्स काउंटोस के पिंजरे की तरफ आती है और उसे तोड़ देती है। एपिसोड 5, वे लोग काउंटोस के फेंस के पास पहुँचते हैं जो टूटा हुआ था। आगे चलकर उन्हें एक टूटा हुआ जायरोस्फीयर मिलता है और एक मरा हुआ एंकाइलोसॉरस, जिसे इंडोमिनस ने ही मारा था। झाड़ियों से बम्पी बाहर आती है, जिससे यही समझ में आता है कि वो एंकाइलोसॉरस बम्पी को बचाने की कोशिश में ही मारा गया। बेन बम्पी को साथ ले जाने का फैसला करता है। उन्हें ACU की वैन मिलती है, जिसे केंजी चलाता है, और इंडोमिनस रेक्स उनका पीछा करती है। वे उससे बचते हुए रिसर्च लैब पहुँचते हैं, जहाँ एक व्यक्ति के अलावा वहाँ कोई नहीं था और वो व्यक्ति बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। और जब उसे यह पता चलता है कि बाहर वैन पड़ी है, तब वो उसे चुरा के भागने की कोशिश करता है, पर इंडोमिनस रेक्स उसे मार डालती है और बच्चों को ढूंढती है। बच्चे किसी तरह से इंडोमिनस से बचते हुए वैन की तरफ जाते हैं और याज उन्हें वहां से निकालती है। सैमी के पॉकेट से ब्रुकलिन का फ़ोन गिर जाता है, जिससे याज का ध्यान भटक जाता है और वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। एपिसोड 6 में सैमी बतलाती है कि वो एक जासूस बनकर यहाँ आई है, जो मांटा कॉरपोरेशन, एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी के लिए काम करती है। उसकी वजह है कि उसके पिता ने अपने एनिमल फार्म के लिए उस कंपनी से उधार लिया था। इसे जानने के बाद याज उससे दोस्ती तोड़ देती है। अचानक इंडोमिनस रेक्स दौड़ते हुए आती है और मजरानी का हेलीकॉप्टर उस पर फायर कर रहा होता है, और इस सीन को जुरासिक वर्ल्ड में भी हमने देख रखा है। हेलीकॉप्टर एवियरी में गिर जाता है और टायरोन्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। वे उनसे बचते हुए कायाक रिवर की तरफ जाते हैं, जिसका रास्ता खुलता है मोरसॉस लगून में। मोरसॉस उनके पीछे पड़ जाती है और याज उन्हें वहां से निकलने में बहुत मदद करती है। मोरसॉस से बचने के दौरान याज का पैर टूट जाता है। एपिसोड 7, उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि साउथ डॉक से आखिरी फेरी 2 घंटों में जाने वाली है। वे लोग मोनोरेल से वहां पहुंचने का डिसीजन लेते हैं, पर कार्नोटॉस उन पर हमला कर देता है, जिससे किसी तरह बचते हुए वे लोग मोनोरेल तक पहुंच ही जाते हैं। वे यही सेलिब्रेट करते हैं कि आखिरकार वे अपने घर पहुंच जाएंगे, पर टायरोन्स उन पर हमला कर देते हैं। टायरोन्स ने दूसरी मोनोरेल को भी बर्बाद कर दिया था, जो ट्रैक्स पर ही पड़ी थी। बेन किसी तरह से ट्रैक्स को बदलने में कामयाब हो जाता है, पर अचानक कांच तोड़ता हुआ एक और टायरोन बेन को ले जाने की कोशिश करता है, पर टायरोन से बेन छूट जाता है। डेरियस बेन को पकड़ लेता है। एपिसोड 8 में बेन का हाथ डेरियस से छूट जाता है, जिससे बेन नीचे गिर जाता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। डेरियस ये रियलाइज करता है कि वे लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं, जिससे उन सबको मोनोरेल से कूदना पड़ता है। कूदने के दौरान बम्पी उनसे छूट जाता है और खो जाता है। डेव और रॉक्सी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। केंजी टनल की मदद से डॉक में जाने का फैसला करता है, पर वहाँ कॉन्ट्रॉस उन पर हमला कर देता है। वे लोग सिर्फ 1000 फीट दूर होते हैं डॉक से, पर उनके बीच एक दीवार होती है। कार्नोटॉस भी उनके पीछे पड़ा रहता है। वे लोग सुपर कंप्रेस्ड एयर को जलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके धमाके से कार्नोटॉस काफ़ी बुरी तरह से जल जाता है और वहां से चला जाता है। वे सभी डॉक पर पहुंच जाते हैं, पर फेरी वहां से जा चुकी थी और वे लोग अभी भी आइलैंड में ही थे। एपिसोड के एंड में बम्पी बेन को ढूंढ लेती है, जिसकी उंगलियाँ हिलती है, जिसे यही पता चलता है कि बेन जिंदा है। तो ये था जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा म्यूज़िक के बारे में। इस सीरीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जुरासिक पार्क की म्यूज़िक को, जो इसके सभी सीन्स के साथ बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। फर्स्ट एपिसोड में जब वे लोग कैम्प क्रिटेशियस गेट के अंदर जाते हैं और जुरासिक पार्क का थीम बजता है, तो वो
काफ़ी ज़्यादा गूजबम्स देने वाला सीन था। मेन कैरेक्टर्स की यदि मैं बात करूँ तो सभी 6 टीनेजर्स ठीक थे। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी कैरेक्टर क्रिंजी या फिर अनोइंग नहीं था, क्योंकि यूजुअली किसी किड एनिमेशन सीरीज़ में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता ही है जो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग या फिर क्रिंजी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। डेरियस की इमोशनल स्टोरी को बताने का तरीका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डेरियस के पिता ने बहुत ही कमाल की लाइन बोली थी कि ज़िंदगी हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, पर ज़रूरी ये है कि हम इन सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ में सबसे अच्छी बात यह थी कि ये कैनन थी, यानी एक्चुअल जुरासिक वर्ल्ड मूवी के दौरान सच में आइलैंड के दूसरी तरफ यही सब चल रहा था, और जुरासिक वर्ल्ड मूवी के साथ इसे बहुत ही अच्छी तरह कनेक्ट किया गया है। कुछ महीने पहले जब ये बताया गया था कि ये एक किड शो है तो मुझे लगा था कि इस शो में कोई भी ह्यूमन डेथ नहीं होगी, पर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ ये देख कर कि इस सीरीज़ में डेथ्स हुई हैं, और वो भी एक नहीं 3 डेथ्स, और सभी डांसर्स के सीन्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। डेफिनेटली ये शो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, कोई भी इसे देख सकता है और इन्जॉय कर सकता है। इस सीरीज़ में डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मूवी एक्यूरेट दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली बैरियोनिक्स, सेराटोसोरस और इवन टीरेक्स को इस सीरीज़ में कोई सीन नहीं मिले, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। पर मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें हम इस सीरीज़ के सीज़न 2 में देख पाएंगे, जो शायद रिलीज़ हो सकता है अगले साल जनवरी या फरवरी में, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ।